सो वेलकम गाइस अदर वीडियो ऑफ फुटबॉल यूनाइटेड। तो गाइस इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सैफ चैंपियनशिप 2021 इंडिया के सेकंड मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बाहर में। तो गाइस ये मैच 7 अक्टूबर को मालदीव्स के मालदीव्स नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में होने वाला है 4:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो गाइस ये मैच जो कि यूरो स्पोर्ट्स पर लाइव टेलीकास्ट आने वाला है। तो गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस चैनल पे डेली इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम और ISL क्लब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे ओपोनेंट श्रीलंका के बारे में। तो गाइस यहाँ पे श्रीलंका की जो लेटेस्ट फीफा रैंकिंग है वो 205 है। तो गाइस यहाँ पे सैफ कप 2021 के दो मैचेस खेल चुका है श्रीलंका, जिसमें गाइस फर्स्ट मैच में बांग्लादेश ने 1-0 से श्रीलंका को हरा दिया है और सेकेंड मैच जो कि 4 अक्टूबर को हुआ था उसमें नेपाल ने 3-2 से श्रीलंका को हरा दिया है। तो गाइस यहाँ पे 10 मैचेस से एक भी मैच श्रीलंका जीत नहीं पाया है। तो गाइस यहाँ पे जो हेड कोच है श्रीलंका का आमिर अलाजिक 61 ईयर्स ओल्ड ऑस्ट्रेलियन मैनेजर है। तो गाइस उसके बाद जो फर्स्ट टास्क है वो श्रीलंका की विनलेस रन को एंड करना ही उसका फर्स्ट टास्क है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है हेड कोच के लिए, क्योंकि गाइस जो नेक्स्ट मैच है जो थर्ड मैच श्रीलंका खेलने जाने वाला है सैफ कप 2021 का वो इंडिया के अगेंस्ट है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है श्रीलंका को इंडिया को हराने के लिए। तो गाइस अगर श्रीलंका की फॉर्मेशन की बात करें लास्ट टू मैचेस में जो लाइनअप श्रीलंका ने रखी है तो गाइस यहाँ पे 5-4-1 का फॉर्मेशन खेला है। तो भाई यहाँ पे सिंपल सी स्ट्रेटर्जी है हेड कोच की, गाइस यहाँ पे डिफेंड करना है और काउंटर पे अटैक करना है। तो गाइस यहाँ पे मिडफील्ड में बहुत ज़्यादा श्रीलंका बॉल लूज़ कर रही है, तो इसी के कारण गाइस यहाँ पे फॉरवर्ड्स जो है श्रीलंका के वो गोल नहीं मार पा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे श्रीलंका के टॉप प्लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंडियन फुटबॉल टीम को चैलेंज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है वो अहमद रफीक, जो कि गाइस यहाँ पे सैफ कप के दोनों ही मैचेस खेल चुका है पर भाई एक भी गोल नहीं मार पाया है, बट गाइस हम उसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के वो 3 मैचेस खेल चुका है और उसमें भाई 2 गोल मारा है। तो गाइस फॉरवर्ड पोजीशन पे वो खेलता है और भाई बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेयर है, राइट टाइम राइट प्लेस पे अवेलेबल रहता है बॉक्स में श्रीलंका के लिए। तो गाइस यहाँ पे जो सेकेंड प्लेयर है वो सुजान परेरा है, जो कि गाइस गोलकीपर पोजीशन पे खेलता है और कैप्टन भी है श्रीलंका फुटबॉल टीम का। तो गाइस यहाँ पे 2015 में वो सैफ कप में डेब्यू किया था और गाइस यहाँ पे टोटल 7 मैच खेल चुका है और गाइस रेगुलरली श्रीलंका फुटबॉल टीम के लिए स्टार्ट करता है एज अ गोलकीपर। तो भाई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उसके पास है। तो गाइस जो थर्ड प्लेयर है वो कविंदु ईशान है। तो गाइस इसने भी भाई 2015 में सैफ चैम्पियनशिप में डेब्यू किया था और गाइस वो भी 7 मैचेस खेल चुका है और एज अ मिडफील्डर पोजिशन पर खेलता है, मिडफील्ड को भाई कंट्रोल करके रखता है। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में। तो गाइस इंडिया की जो लेटेस्ट फीफा रैंकिंग है वो 107 है। तो गाइस यहाँ पे इंडिया ने सैफ कप 2021 का कैंपेन 4 अक्टूबर को स्टार्ट किया था। तो गाइस यहाँ पे 4 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच हुआ था, जिसमें भाई साहब फर्स्ट हाफ में उदांता के असिस्ट से सुनील छेत्री ने गोल मारा था और सेकेंड हाफ में बांग्लादेश ने गोल करके मैच को ड्रॉ करा दिया था। तो गाइस यहाँ पे सेकेंड मैच जो है वो हमारा श्रीलंका के साथ है 7 अक्टूबर को। तो गाइस यहाँ पे इगो स्टिमैक को भाई ये मैच जीतना ही पड़ेगा। अगर भाई साहब इगो स्टिमैक श्रीलंका के अगेंस्ट फेल हो जाते हैं तो गाइस यहाँ पे AIFF इगो स्टिमैक को सैफ कप के बाद सैक भी कर सकता है। तो भाई ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एनी हाउ भाई साहब फाइनल में जगह बनाना है सैफ कप 2021 के। तो गाइस यहाँ पे इगो स्टिमैक की फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे इगो स्टिमैक नॉर्मली गाइस 4-4-2 की फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, या तो गाइस यहाँ पे 4-2-3-1 की फॉर्मेशन इगो स्टिमैक यूज़ करने वाले हैं अगेंस्ट श्रीलंका के साथ। तो गाइस अगर टेबल को देख लिया जाए तो गाइस यहाँ पे टॉपर ऑफ द टेबल नेपाल है, जो कि गाइस 2 मैचों में 2 विन के साथ 6 पॉइंट लेके टॉपर ऑफ द टेबल है। और गाइस सेकेंड पोजिशन पर बांग्लादेश बनी हुई है, जिसमें गाइस 2 मैचेस बांग्लादेश ने खेले हैं, 1 मैच में ड्रॉ और 1 मैच में विन के साथ भाई वो 4 पॉइंट के साथ सेकेंड ऑफ द टेबल है। और गाइस थर्ड पोजीशन पे इंडिया है, जो कि 1 मैच में 1 ड्रॉ और 1 पॉइंट के साथ प्रेजेंट है। और गाइस श्रीलंका की बात करें तो गाइस वो बॉटम ऑफ द टेबल फिफ्थ रैंक पे प्रेजेंट है टेबल पे।
सो गाइस अगर इंडिया के टॉप प्लेयर्स की बात करें तो गाइस यहाँ पे फॉरवर्ड पोजीशन पे हमारे पास सुनील छेत्री, मनवीर सिंह और भाई यहाँ पे फारूक चौधरी जैसे प्लेयर अवेलेबल है। तो गाइस यहाँ पे अगर मिडफील्ड की बात करो तो गाइस यहाँ पे ब्रैंडन फर्नांडिस, उदांता सिंह, सुरेश वांगजाम जैसे प्लेयर अवेलेबल है। तो गाइस यहाँ पे अगर डिफेंस की बात करो तो गाइस यहाँ पे बॉल पोजीशन रखने वाले सनाज सिंह, प्रीतम कोटाल, सुभाषिश बोस जैसे प्लेयर अवेलेबल है। और गाइस यहाँ पे गोलकीपर की बात करें तो धीरज सिंह, खुश विशाल कैत और गुलप्रीत सिंह संधू, जो कि गाइस लास्ट मैच में उन्होंने ओपन भी किया था। तो भाई सब इंडियन टीम में बहुत से एक्सपीरियंस प्लेयर प्रेजेंट है, जो कि गाइस श्रीलंका को एनी हाउ एनी टाइम भाई हरा सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके।